मंच को प्रणाम करती हूँ। इस प्रांगण में उपस्थित सामाजिक गंगा में डुबकी लगाने वाले सभी हंसों और हंसनियों को मेरा नमन। इस प्रांगण में उपस्थित मेरे परिवार के लोग, मेरी सखियां जो कि पिछले 2 घंटे से अपना अमूल्य समय निकालकर मेरे लिए आई है, आज रविवार का दिन है अपने परिवार को छोड़कर, तो उनका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। मैं JCI का हृदय से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और विशेषकर इसके सबसे यंग फाउंडर मेंबर हमारे डॉक्टर जीवराज जी शाह। भले उनकी उम्र, क्योंकि उम्र तो एक नंबर है, उसके से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके अंदर कुछ करने की ललक निरंतर होती है वो चाहे 90 साल का भी हो जाए वो 16 साल के युवा की तरह रहता है, और जिसके अंदर कोई ललक नहीं वो 16 साल का भी हो तो वो 90 साल के बराबर हो जाता है। और वैसे भी हमारे जीवराज जी शाह लोढ़ा है और मैं भी लोढ़ा हूँ, इसलिए मुझे और भी गर्व की बात महसूस होती है। मैं क्योंकि कवयित्री हूं तो मैं एक अपनी बात नहीं से शुरू करती हूँ कि आज मैंने कुछ भी नहीं किया, यूं ही बैठी रही, सोचती रही, आत्मलोकन करती रही, आत्ममंथन करती रही, जीवन में जो भी गलतियां की हैं उस पर विचारती रही और जो भी अच्छा किया है उस पर भी एक नजर डाली। जीवन कितना सार्थक है, क्या खोया क्या पाया, परमपिता ईश्वर ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है, क्या मेरा मन मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत है, क्या मैं किसी के दुख से दुखी और किसी के सुख में सुख पाती हूँ, क्या मैं रोतों को हंसा पाई हूँ, क्या मैं जरूरतमंदों की सहायता कर पाई हूँ। जीवन के चौथे द्वार पर पहुंच चुकी हूँ, कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जब इस संसार से विदा हूं ना तो मन में एक संतोष हो, जीवन मैंने बहुत अच्छे ढंग से जिया हो इस बात का आनंद हो। ए दिल, दिखा कुछ नया, सुझा एक नई राह जिस पर चलकर एक मिसाल बन सकूं, अपने आसपास के वातावरण को भीनी भीनी सुवास से सुवासित कर सकूं, हर उदार चेहरे पर मुस्कुराहट धर सकूं और हर आंखों में आशाओं के नए दीप जला सकूं, आशाओं के नए दीप जला सकूं। जीवन के कितने भी शिखर पर क्यों न पहुंच जाऊं, कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाऊं, पर अपने दिल के अंदर एक मानव को, अपने अंदर छिपे महावीर गौतम को हमेशा जीवित रखूं, हमेशा जीवित रखूं। मेरा जीवन का सफर, जैसे बाबूलाल जी ने तो पांच पास हैं और मेरी एक सखी है उषा जो भी आपकी JCI की प्रेसिडेंट भी रह चुकी है वो भी 8 पास है, लेकिन JCI एक ऐसा मंच है वो चाहे 2 भी पास होंगे उनको ऐसा एक व्यक्तित्व के रूप में गढ़ देता है कि वो जीवन के किसी भी मंच पर जाकर खड़े हो जाएं वहां से कुछ न कुछ पाकर लौट जाए। आज मैंने कितने लोगों को सुना और सब में से मैंने एक कोई कोई शिक्षा लेकर मैं यहां से घर जाऊंगी। जब आप अच्छे लोगों से मिलते हो, अच्छे लोगों का जीवन चरित्र पढ़ते हो, तब आप कुछ न कुछ जरूर पाते हो। मेरी कहानी ऐसी है, मैं तो बीमार की हूँ, मुझे आप सबको पता ही है, और हमारे यहाँ पहले पढ़ाई का कहाँ ज्यादा होता था, होता ही नहीं था, 11 पास कर ली और घर में शादी की बात होने लगती थी। कि बचपन से देखा करती थी एक ख्वाब, बुना करती थी एक स्वप्न जाल कि बड़ी होकर मैं भी कुछ बनूंगी, अपना एक अलग व्यक्तित्व गढ़ूंगी, पर क्या इतनी समझ न थी, उलझी उलझी सोच थी। गांव की नदी में अक्सर देखा करती थी चेहरा अपना, हवाओं के संग बनते बिगड़ते प्रतिबिंब अपने, फिर लहरों की भांति मैं भी हिन्नी सी छलांग लगा लेती, गुल्ली डंडा खेलने में मगन हो जाती और अपने बचपन को जीने लगती। धीरे धीरे बचपन पीछे छूटता चला गया और उम्र न जाने कब युवावस्था की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई, आंखों में फिर तैरने लगे कुछ हसीन सपने कि काला कोट पहन कर बन जाऊं मैं वकील, अपनी दलीलों से सबको कर दूं मां, सच के लिए लड़ूं असमर्थों का साथ दूं। पर यह सपना भी कांच के टुकड़े की तरह टूटकर बिखर गया क्योंकि छोटी सी उम्र में ही विवाह हो गया। 18 साल की थी, विवाह हो गया, 19 साल में पहला बच्चा, 21 साल में दूसरा बच्चा। अब देखिए विवाह भी हुआ, बहुत अच्छे घर में हुआ,
यहाँ भी जैसे मैं अपने माता पिता की पहली संतान थी और 9 साल के बाद हुई थी, तो आप सोचिए मैं एक राजकुमारी की तरह पड़ी हुई थी। और ससुराल में भी था, नौकर चाकर सब थे। ससुर जी जैसे ही मेरी सगाई हुई, ससुर जी जज बन गए और मंगल जी ने सीए इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिया। ससुर जी ने इतनी बड़ी चिट्ठी लिखी मेरे लिए कि आपकी बेटी के पग चेहरे बहुत अच्छे हैं हमारे लिए। लेकिन मंगल जी क्योंकि वकालत करते थे और पापा वहां जज बन गए थे, तो सेम हाईकोर्ट में बेटा नहीं कर सकता है वकालत। तो मेरी साथ शादी हुई, जब सोचा कि कुछ हम क्या करें हम, तो हम मुंबई आ गए। और मुंबई कैसे आ गए कि पापा ने मुझसे कहा था कि बेटा तुमको ज्वेलरी पसंद है या तुमको एक घर दूं। मैंने कहा पापा मुझे ज्वेलरी का कोई शौक नहीं, मुझे बचपन से ही नहीं था, मैं किताबों में मगन रहती थी। तो मैंने कहा मुझे घर ही दे दो आप। तो वो घर मेरे, क्योंकि मेरी डेस्टिनी मुझे वापस बॉम्बे बुला रही थी। मैं यहाँ से गई तो जोधपुर, लेकिन मेरी डेस्टिनी मुझे यहाँ पर बुला रही थी। तो हम यहाँ पर आए, 500 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा 1 बेडरूम का घर था। वहां से हमने अपनी गृहस्थी शुरू की। अब मंगल जी 2-3 जगह इंटरव्यू देने गए 2000 रुपए की नौकरी के लिए, लेकिन सबने बोला आप इतने बड़े जज के बेटे हो, आपको नौकरी हम नहीं दे सकते हैं, आप क्या करोगे 2000 की नौकरी में, अब क्या किया जाए। तो फिर इन्होंने, मेरे मामा जी थे वहां, 1 साल काम सीखा। फिर मेरे पापा का जिनका बिल्डर्स का ही काम था, वहां पर 1 साल काम देखा कि किस तरह से, क्योंकि हमारे जो फैमिली थी गोमानंद जी की फैमिली में कोई बिजनेस नहीं करता था। मेरे दादी ससुर जी भी वकील थे, यहाँ ससुर जी भी, यहाँ पढ़ाई का बहुत था। मेरे देवर भी सब पढ़े लिखे सीए, मतलब इस तरह की पढ़ाई का ही माहौल था जोधपुर में, हम देखते ही हैं। तो यहाँ से फिर इन्होंने 81 में हमने अपना बिजनेस शुरू किया। और आप देखिए, मैं 2000 रुपए में घर चलाना है मुझे, जो कि 2000 रुपए में मंथली खर्च कर देती थी। अब पूरा मेरा संभालना है, और नौकर चाकर भी नहीं रख सकती हूँ जिसने कभी पानी की ग्लास भी उठकर नहीं पी, उसके लिए सब घर का काम भी करना है, खाना भी बनाना है, जिसको कुछ नहीं आता था कि दाल कैसी होती है, और उस समय गैस नहीं मिलता था, तो सिगड़ी और स्टोव पे काम करना, कई बार अपने हाथ भी जलाए। लेकिन जीवन में मैंने कभी हार नहीं मानी कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे कोई काम करने से शर्म नहीं आती कि मैं अपने घर का बाथरूम, क्योंकि वो मेरे घर का है, क्यों नहीं धोऊं, क्यों नहीं बर्तन करूं। और मंगल जी को कभी मैंने रात को 12 बजे भी आए, कभी ठंडी रोटी नहीं खिलाई, मैं आपको बता दूं। भले भारत का नक्शा बनाती थी, बनाते बनाते गोल बनाना सीख गई, लेकिन करती थी। दालें पता नहीं थी कैसी हैं, कौन सी दाल है, लेकिन सीख गए। फिर तो मैं 100 दिन का खाना भी बना लेती थी, मुझे कोई वो नहीं था, डर नहीं लगता था, क्योंकि सीखना, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ फॉर सक्सेस। आपको निरंतर निरंतर कार्यशील रहना पड़ता है, आगे जैसी भी परिस्थितियां आए उन परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है। अब बच्चों में 1.5 साल का फर्क है, एक बच्चे को गोद में लेकर दूसरे बच्चे को मैं लेने जाती थी स्कूल पैदल, कि मेरा एक साइड का टैक्सी का पैसा बच जाए, मुझे किसी से मांगना ना पड़े। मेरे कान का अगर झुमका एक है तो मैं उसे 10 जगह जाऊंगी, मुझे कोई शर्म नहीं है। लेकिन मैं अपनी माँ से भी नहीं मांगूंगी कि मुझे कोई ज्वेलरी पहननी है। ये मेरे बच्चों में भी ये याद था कि नहीं मम्मी, अपने पास जो है हमें उसी में चलाना है, उसी में करना है। और आज भगवान की सब दया है, लेकिन मैं आज भी वही मंजू हूँ, आज भी मैं जमीन से जुड़ी हुई हूँ, और जमीन से जुड़े हुए ही रहना चाहिए। क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, बेटा अहंकार राजा रावण का नहीं टिका, तो हम और तुम है ही क्या। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, वो भी एक बचपन की मैं एक बात बताती हूँ कि बचपन में हमारे लिए तो हमारा गांव ही स्विट्जरलैंड और लंदन हुआ करता था, और हम छुट्टियों में तो वहीं जाते थे। बहुत गर्मियों की छुट्टियां थी, उस समय तो लालटेन में ही रहना पड़ता था, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी वहां, तो भी गर्मी गर्मी नहीं लगती थी, पूरा कुनबा साथ में जाता था। तो अक्सर छत पर सोते थे तो, और आसमान में तारे तकते थे। तो एक दिन माँ ने देखा, बेली बोली बेटा क्या कर रही हो। मैंने कहा माँ आसमान में चमकते हुए तारों को देख रही हूँ। तब मेरी उस कम पढ़ी लिखी माँ ने, बात यह है ना, हम पढ़ने की बात करते हैं और कम पढ़े लिखे की बात करते हैं। मैं आज यहाँ कहती हूँ, विवेकानंद जी कहा करते थे कि स्कूल में जो फर्स्ट बेंच पर बैठा हुआ है ना, वो कई बार लास्ट बेंच पर बैठने वाले के लिए काम कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर जीवन की समझ होती है। सिर्फ किताबी पढ़ाई कोई जीवन में मायने नहीं रखती है। तब मेरे उस कम पढ़ी लिखी माँ ने मुझे जीवन का एक मर्म समझाया, बेटा सिर्फ आसमान में चमकते हुए तारों को मत देखो, स्वयं तारा बनो और सितारा बनकर चमको, सितारा बनकर चमको। और माँ की वो बातें या मानस पर कहीं कहीं अंकित हो गई, और मैं आज जहां भी हूं, कहते हैं ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि मेरे पीछे तो मेरे
घर का पूरा पुरुष वर्ग है, मेरे ससुर जी, मेरे पिताजी, ये दो मेरे आधार स्तंभ थे। ससुर जी ने मुझे जगह जगह बड़े से बड़े मंच पर मुझे कहा, मंजू वो मंच तुम संचालन करोगी। उन्हें मुझे मेरे ऊपर इतना आत्मविश्वास था। सामाजिक कार्यों में मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, बेटा आओ कुछ बोलो, और उनको इतनी खुशी होती थी और उनके चेहरे की खुशी देखकर मैं खुश हो जाती थी कि हाँ आज मेरे पापा, मेरे ससुर जी मुझ पर गर्व कर रहे हैं, ये लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और फिर मंगल जी ने मुझे हमेशा प्रोत्साहन दिया, फिर मेरे बेटों ने दिया, मेरी बहुएं आई, मेरी बहुओं ने, यहाँ तक कि मेरे पोते पोती भी, आज भी कोई काम होता है, मेरे सबसे पहले श्रोता कौन थे मैं आपको बताऊं, मेरे दोनों बच्चे। जब मैंने ये माइक हाथ में, मैं स्कूल कॉलेज में कभी मैंने माइक हाथ में नहीं लिया था, मुझे बोलना आता था, लेकिन मैंने जब से शुरू किया उस वाल मित्र मंडल पहला मंच था जहां से मैंने अपनी शुरुआत की थी, वहां एक कार्यक्रम करती थी और पहली बार मंच पे गई तो ये पसीने हो रहे हैं, वहां पसीने हो रहे हैं, लेकिन वहां से मेरी शुरुआत हुई। प्रकाश जी को तो मालूम है, फिर मैं खतर गर्ल्स से जुड़ी और फिर मैं लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, कई क्लबों से जुड़ती गई धीरे धीरे, वहां पर धीरे धीरे बोलती गई, लेकिन जब भी कुछ भी कहीं भी स्पीच होती मेरे दोनों बेटे सामने बैठे रहते हैं, मैं बोलती और बच्चों को बोलती, बता बेटा मम्मी कहाँ गलत है, मम्मी का प्रोनाउंसिएशन कहाँ रॉन्ग है। तो इस तरह से मेरे जीवन की शुरुआत कदम दर कदम होती गई और मुझे किताबें, ऐसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छे लोगों की किताबें पढ़ो। किताबें पढ़ती थी, उसमें से चार चार लाइनें जो अच्छी लगती थी अपनी डायरी में नोट करती थी और फिर उन चार लाइनों को मैं याद करती रहती थी कि मुझे ये याद करनी है, खाना बनाते हुए, शाम जो भी हो, ये चार लाइनें मेरे दिमाग के कंप्यूटर में फिट होनी ही चाहिए। और पहली बार जब मंच पर गई, बाबूलाल जी आपसे बात करती हूँ, मैंने अपने आप से एक वादा किया कि मैं कभी भी मंच पर पेपर लेकर नहीं देखूंगी ना बोलूंगी, और उसके लिए मैंने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। और आज मुझे आप 5 मिनट बुला लो या 5 घंटे बुला लो, मैं पेपर अपने हाथ में नहीं रखती हूँ। मैं दिल से बात करती हूँ कि ये मुझे रटा रटाया नहीं बोलना है, मेरे दिल से दिल, क्योंकि जो दिल की बात होती है दिल तक पहुंचती है। तो इस तरह से मेरे जीवन का सफर शुरू हुआ और वो मेरी कविता अधूरी रह गई थी। फिर बच्चे बड़े हो गए, क्योंकि अभी तो गृहस्थी का ही जो था वो सपना हो गया, गृहस्थी में बच्चे बड़े हो गए, उनका अपना आसमान हो गया। फिर मन में दबी हुई हसरतों ने इच्छा, मतलब सिर उठाया कि चलो भाई अब भी कुछ कर लिया जाए, कौन सी उम्र बीत गई है, इंद्रधनुष भी तो बादलों और धूप के बीच में ही खिलता है। तो जीवन की फिर एक नई शुरुआत हुई जहां पर लोडा फाउंडेशन की तो स्थापना हुई, इसके अलावा मेरा लिखना पढ़ना शुरू हुआ, किताबें लिखने लगी, मंच पर जाकर बोलने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि माली सी से 100 घड़ा, ऋतु आए तब फल मिले, ऋतु आए तब फल मिले। 2015 से मेरी नई जर्नी शुरू हुई, तब तक मुझे ज्यादा लोग जानते नहीं थे, कुछ नहीं, लेकिन 2015 में जब मैंने परमवीर चक्र अवार्ड डायरी लिखी और उसका मैंने एक सपना देखा कि उसका विमोचन जाके मैं लंदन में करूं। अब मैंने सपना तो देख लिया कि कोई कैसे छूता होगा आसमां को, हर किसी के पास तो विमान नहीं होता, अगर जज्बा हो दिल में कुछ भी कर गुजरने का ना, तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, नामुमकिन नहीं होता। सपना देखा और भगवान ने सपने को सुना और उसी समय बच्चों ने वहां घर भी ले लिया और ऑफिस भी ले ली, तो मेरे लिए रास्ता बहुत आसान हो गया और मैंने लंदन के नेहरू सेंटर में जाकर पहली बार अपनी किताब का वहां विमोचन किया। बहुत ही प्रेस्टिजियस मंच जहां पर कि बहुत बड़े बड़े लोगों को ही चांस मिलता है, लेकिन क्योंकि मेरा टाइटल किताब का इतना बढ़िया था, परमवीर चक्र वॉर डायरी, तो उन्होंने कहा जरूर आप आकर करिए। मैंने वहां विमोचन किया और विमोचन में वहां के सारे MPs वगैरह कितने ही मतलब डिग्निटरीज वहां आए और मैं मतलब खुशी से फूली नहीं समा रही। और जब पूरा कार्यक्रम खत्म हुआ, हमें एक हॉल में मैं बैठी, मेरे पास मेरी किताबें हैं, लोग लाइन में खड़े हुए मुझसे किताबें ले रहे हैं और मेरा ऑटोग्राफ ले रहे हैं। आप सुनिए, एक विमान की एक लड़की फर्स्ट ईयर पास, वो ऑटोग्राफ दे रही है और वहां के जितने रेडियो स्टेशन और जितने टीवी स्टेशन सब में एक एक घंटे का लाइव इंटरव्यू हुआ इस बारे में, परमवीर चक्र अवार्ड डायरी के बारे में। तो यही है, मेरे आदरणीय कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मैं बोल गई हूँ, बोलना है, लेकिन मैं भाव में आ गई क्योंकि आपने कहा कि जीवन में आज का दिन जो है मेरे जीवन के डायरी का एक ऐसा पन्ना है जो कि इतिहास बन गया है और जो हमेशा मेरे मानस पर अंकित रहेगा।
इसलिए आप सब भी आइए, हम सब मिलकर भी। मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ, JCI का एक बहुत अच्छा है कि बहनों को बहुत अच्छा मंच देते हैं। देखा यहाँ एक लड़का बोल रहा है, एक लड़की बोल रही है, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमें अपनी बहनों को बेटियों को आगे बढ़ाना है। तो आइए हम सब मिलकर आज प्रण करें कि जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, कठिनाइयां आए, हम कभी हार न मानेंगी, हम कभी हार न मानेंगी। कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। और ये जो सबसे अंतिम वक्ता होता है, इसके साथ ये दुर्गति होती ही है, तो उसे कम बोलना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।